नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साहिल बंबू है और मैं कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लंग कैंसर के बारे में बात करेंगे। नवंबर का महीना लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में जाना जाता है और इस महीने में विश्व भर में लंग कैंसर के बारे में, इसके कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। भारत में भी लंग कैंसर के लगभग 70,000 नए मामले हर साल सामने आते हैं और कैंसर से होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण लंग कैंसर ही है। लंग कैंसर के कई लक्षण हो सकते हैं। अर्ली स्टेजेस में खांसी, छाती में दर्द, खांसी के साथ खून का आना, वजन का कम होना, भूख का कम लगना और थकान जैसे कई लक्षण अर्ली स्टेजेस में लंग कैंसर में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये सभी लक्षण इग्नोर होने की वजह से एडवांस्ड केसेस में ही कैंसर का पता चलता है। इसीलिए ऐसे कोई भी सिम्टम्स का जल्दी निवारण अगर ना हो रहा हो तो उनकी जांच करवाई जानी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये किसी और वजह से हो रहे हो, टीबी या किसी और इन्फेक्शन से हो रहा हो, लेकिन फिर भी इन सब की जाँच समय पर होनी चाहिए। लंग कैंसर का अगर अर्ली स्टेजेस में पता चले तो सर्जरी या कीमोथेरेपी और रेडिएशन से उसका पक्का इलाज किया जा सकता है, और अगर एडवांस्ड केसेस में इसका पता चले तो फिर पूरी तरह से ठीक होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लंग कैंसर की अगर हम वजह की बात करें तो 90% केसेस में लंग कैंसर सिगरेट स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान से देखा गया है कि वो इसका एक कारण है। इसीलिए अगर सिगरेट स्मोकिंग या धूम्रपान को कम किया जाए या रोका जाए तो लंग कैंसर का बहुत ज़्यादा हद तक हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं और इसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशंस, फैमिली हिस्ट्री और केमिकल एक्सपोजर्स की वजह से भी कैंसर हो सकता है। अंत में अगर हम कुछ बातों पर ज़्यादा फोकस करें तो सिगरेट स्मोकिंग या केमिकल एक्सपोजर्स से अपने आप को बचाएं, और अगर छाती से रिलेटेड खांसी या खांसी के साथ खून का आना, वज़न का कम होना, ऐसे कोई भी लक्षण हो तो उनका जल्दी आप जांच के द्वारा पता करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।